नमस्कार छात्रों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, आज हम कुछ एक टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि टेरी थ्री के रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं और टेरी फोर की वैकेंसीज आपको कब तक देखने को मिल सकती है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन सोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए। मैं किन सोर्सेज को फॉलो किया था, मेरा चूंकि चयन टेरी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था, तो जीएस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपके सब्जेक्ट के बारे में भी आपको क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए टीआरई 4 की वैकेंसीज आपको तभी देखने को मिलेंगी जब टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। और साथियों, टीआरई 3 का रिजल्ट चूंकि अब ये अंतिम दौर में चल रहा है और लगभग सभी जो है 11-12 को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी के जो है फाइनल आंसर की आ चुके हैं, और 11-12 मतलब पीजीटी का भी आपको फाइनल आंसर की 2 से 4 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए लगभग आपका टीआरई 3 जो है उसका फाइनल आपको रिजल्ट इसी अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, और इसके जो कि रिजल्ट आ जाने के लगभग 1 से 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टीआरई 4.0 का। तो देखिए नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द आ सकता है और प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए इसके लिए। मेनली अभी आपको साथियों अपने विषय पर काम करना चाहिए। विषय पर काम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको PYQs जो है लगा लेने हैं बहुत अच्छे से। PYQs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है अपने सब्जेक्ट है, चूंकि हमने वहां पर सभी विषयों के PYQs जो है अपलोड किए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2, और टीआरई 3 के भी साथियों 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे हम, जैसे ही पीजीटी की भी फाइनल आंसर की आ जाती है तो आपको सभी विषयों को मिल जाएंगे। तो आप एक बार तो सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से, और आपको ताकि पैटर्न समझ में आए कि टीआरई 1 में क्या पैटर्न था, 2 में क्या पैटर्न था और 3 में क्या पैटर्न था। जैसे साथियों मेरा SST विषय था, तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे टीआरई 1 में जो मैंने देखा वही चीज जो है एज इट इज टीआरई 2 में भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन पेपर बने, लेकिन टीआरई 3 से जो है थोड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे SST में अगर मैं बताऊं तो SST TGT में तो काफी जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस तरीके से साथियों आपको ये जो बदलती हुई जो है परिस्थितियां हैं, कैसे आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो टीआरई 3 में क्वेश्चन आ गए हैं तो सेम यही पैटर्न हो सकता है टीआरई 4 में फॉलो किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है साथियों। हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को आपको मिल जाए। तो आपको देखिए प्रिपेयर सभी कुछ करना है और आप विषय को अभी से प्रिपेयर करिए, क्योंकि विषय में ही अगर आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं तो ये आपके सिलेक्शन की संभावनाएं को बढ़ाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक बार तो पहले सबसे पहले PYQs को देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप NCERT और SCERT बुक्स को देख लीजिए। साथियों, आप लोगों का डाउट रहता है कि NCERT और SCERT में क्या फर्क है, तो मैं इस फर्क को बता देता हूँ। देखिए 6 से 10 तक अगर बात करें, NCERT की किताबें अलग हैं और SCERT की किताबें अलग हैं जो बिहार बोर्ड में चलती हैं। 11-12 में साथियों सेम है, जो NCERT है वही SCERT है, तो 11-12 में आपको नहीं कन्फ्यूज होना है। NCERT और SCERT का जो ये अंतर है वो 6 से 10 में देखने को मिलता है। और ये जो आपको SCERT की किताबें हैं जो कि आप सोचते हैं कि ये कैसे उपलब्ध होंगी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो साथियों एक वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की ही, ई लॉट्स के नाम से है वेबसाइट। अगर आप ई लॉट्स बिहार बुक्स सर्च करेंगे या बिहार बोर्ड सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ई लॉट्स आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे लगभग आपको SCERTs जो चलती हैं स्कूलों में वो मिल जाएंगी। कुछ एक विषयों की शायद नहीं भी हैं, तो आप कमेंट करना, अगर जो है मैं अवेलेबल करा पाऊंगा तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगर मेरे पास PDF वगैरह होगा तो। बाकी उसमें मैक्सिमम आपको साथियों उपलब्ध हो जाएगा। तो एक बार तो देखिए, अगर आप देखिए 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल NCERT पढ़िए। लेकिन अगर आप 6-8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों एक बार आप जो है
एससीईआरटीज को भी देख लीजिए क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट में तो जो है मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आते ही हैं, बाकी विषयों में भी वहां से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, तो आप एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा कि क्या प्रश्न वहां से तो नहीं आ रहे हैं। अगर वहां से आ रहे हैं तो आप उन्हें जरूर फॉलो करिए। सत्यो, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप 6-8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप केवल 6 से 8 की एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ लिए हैं और आपको लग रहा है कि आप जो है सिलेबस को कवर कर चुके हैं कंप्लीट, तो ये देखिए साथियों एक भ्रम है। मैं आपको बताऊं, अगर आप 6-8 का चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 9-10 का एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चंस जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो 9-10 की एनसीईआरटी या एससीईआरटी से पूछे जाते हैं। जैसे साथियों अगर मैं आपको अपना उदाहरण दूं, तो मैं केवल टीजीटी एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था और हालांकि फॉर्म मैंने जूनियर के भी डाल दिए थे, तो लेकिन साथियों बाद में जो है मैंने देखा कि जो मेरी टीजीटी की प्रिपरेशन थी वही जो है जूनियर में भी इक्वली जो है मेरे लिए यूजफुल रहा। इसीलिए साथियों मेरा जूनियर में भी सिलेक्शन हो गया था और टीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया था। वर्तमान में मैं टीजीटी के पद पर ही कार्यरत हूँ। तो इस प्रकार साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप केवल 9-10 की भी अगर जो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो भी पर्याप्त रहेगा। जैसे 6-8 की अगर आप नहीं पढ़ पाए या किसी कारणवश आपने स्किप कर दिया, तो लेकिन आपको 9-10 का तो पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो 6-8 की, और या फिर आप जो है 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो आपको खैर पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आप 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 11-12 पढ़ना पड़ेगा, 11-12 आपको नहीं पढ़ना है, आपको 9-10 का ही अच्छे से पढ़ना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ पॉलिटी के अंतर्गत, तो देखो एनसीईआरटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्टली, और 9-10 की जो एनसीईआरटी है। जैसे एसएसटी का मैं आपको बता सकता हूँ, एसएसटी में आपको हिस्ट्री के लिए जो है एससीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए जो बिहार बोर्ड में चलती है, और पॉलिटी के लिए आपको साथियों ये पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल की किताबें हैं, वो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए और अन्य विषयों की अगर मैं बात करूँ, आपका अगर संस्कृत है, साइंस मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो एक बार साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप पीवाईक्यूज को देख लीजिए, और उन पीवाईक्यूज को देखने के बाद आप एक बार इन एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों को भी देख लीजिए, और अगर आपको यहाँ से प्रश्न मिल रहे हैं एससीईआरटी की किताब से तो आप जो है इसे पढ़िए, अगर आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को देखिए एक बार, आपको वहां से प्रश्न मिल सकते हैं। बाकी देखिए अगर भाषा की बात करें, तो जैसे हिंदी वगैरह की बात करें तो उसमें व्याकरण का भी एक बड़ा पोर्शन रहता है, तो व्याकरण वगैरह के लिए तो आपको देखिए अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ग्रामर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। बाकी जो लिटरेचर वाला पार्ट है, एक बार आप इन किताबों से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो आपसे छूटने ना पाए। साथियों ये तो रही देखिए आपके विषय की बात, विषय में मैंने आपको एक बार मैं सार के रूप में बता देता हूँ कि आपको पहले आपका जितने भी पीवाईक्यूज में हैं उन्हें एक बार अच्छे से लगा लीजिए, और पीवाईक्यूज के बाद साथियों आप लोग जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन क्या जो है इसके बाद तैयारी कंप्लीट हो गई, तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है, केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखिए एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी अपने विषय की। जैसे अगर मान लो आपका मान लो एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आप कोई अच्छी एक किताब पढ़ लो, जैसे महेश बर्णवाल वगैरह की किताब आती है जिसमें एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से आता है, पूरा इतिहास दिया रहेगा, पूरा राजव्यवस्था दिया रहेगा, मतलब एक इस तरीके की आपको अपने विषय के अंतर्गत एक जो है स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। स्टैंडर्ड बुक आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार मार्केट में जो भी अवेलेबल हो बढ़िया आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए अगर आपका एसएसटी विषय रहा है और एसएसटी आपने पहले भी पढ़ा है, तैयारी वगैरह की है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया तो एटलीस्ट आपको महेश बर्णवाल टाइप जैसी किताबें तो पढ़ ही लेनी चाहिए। दृष्टि की भी आती है कोई बुक, या आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बुक, और साथ में साथ ही वो एनसीईआरटी एससीईआरटी आप देख लीजिएगा। हो सकता है प्रश्न अगर आपके एग्जाम में एससीआरटी से आ रहे हैं तो आप केवल एससीआरटी पढ़िए, एनसीआरटी से आ रहे हैं तो आप एनसीआरटी पढ़िए। जैसे जब मैंने टीआरई वन के पेपर को एनालाइज किया था, जब मुझे टीआरई टू का एग्जाम देना था, तो मैंने ये देखा था कि पॉलिटी के क्वेश्चन तो एनसीआरटी से आ रहे हैं लेकिन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो एससीआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इसलिए मैंने जो है हिस्ट्री के लिए एससीआरटी को पढ़ा और पॉलिटी के लिए एनसीआरटी को पढ़ा था। तो इस प्रकार साथियों आप भी एनालाइज करिए, अगर आप स्वयं समय देंगे पेपर पीवाईक्यूज पे, तो आपको साथियों सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बात करें साथियों जीएस पे जो 40 मार्क्स का आता है, जो सभी के लिए कॉमन है,
इसमें देखिए पांच जो है विषयों से लगभग आठ आठ प्रश्न आते हैं। कभी जो है प्रश्न एक दो इधर उधर भी हुए हैं कि किसी से 9-10 हो गए तो किसी से जो है 6-7 ही, तो ऐसे भी हुआ है, लेकिन लगभग एक रेशियो है कि 8 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसके लिए साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए साइंस के लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत ही पतली पतली एनसीईआरटीज हैं और क्वेश्चंस चूंकि यहीं से पूछे जा रहे हैं, अगर आप मेरे ही चैनल पर कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे तो उस पर आपको मिल भी जाएगा। तो चूंकि क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया हूं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों देखिए आप 6 से 10 की विज्ञान की जितने भी किताबें हैं आप उन्हें पढ़ लीजिए, आपको मतलब आपका लगभग प्रिपेयर हो जाएगा और लगभग आप 5 से 6 प्रश्न कर भी लेंगे, क्योंकि इन किताबों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको ऐसा जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी है। और बात करें साथियों मॉडर्न हिस्ट्री की, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो हमारे अतीत भाग 3 के नाम से आती है। और ये किताब साथियों इससे कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लगभग 3 से 4 प्रश्न, लेकिन सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको और क्या करना है इसके लिए। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया। और अगर बात करें जियोग्राफी के लिए साथियों, तो जियोग्राफी के लिए देखिए 9 और 10 की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और एक कक्षा 11वीं की जो भारत का भौतिक स्वरूप के नाम से शायद आती है, तो वो भी किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहां से भी प्रश्न साथियों जो है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये 3 एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी के लिए देखिए, आपको अभी ये लग रहा होगा कि ढेर सारी किताबें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे आप इसे यूट्यूब के थ्रू पढ़िए, आपको कोई भी जैसे कोई मैराथन टाइप वीडियो मिल जाए कि जिसमें एक क्लास का पूरा एनसीईआरटी कवर हो, तो उस टाइप के कुछ ऐसे साथियों प्रिपेयर करने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड पूरा जो है एनसीईआरटी को पढ़ें तभी क्लियर होगा। आप हो सकता है कोई क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए मार्केट में, जैसे दृष्टि वगैरह के आते हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करिए। तो मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो साधन, चाहे आप यूट्यूब से कोई मैराथन टाइप वीडियोस देख लीजिए, आप ऐसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। बात करते हैं साथियों अगर करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैं मंथली वीडियोस देखता था, और आप भी चाहें तो देख सकते हैं मंथली वीडियोस, या अगर आप किताब वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी की किताब आती है। बाकी मैं गौरव सर के मंथली वीडियोस देखा था, तो वहां से भी लगभग आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और रह गया आपका देखिए मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो साथियों जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स कराते हैं, अभी 69 बीपीएससी तक के एग्जाम हुए हैं, वो उसका आप एक पीवाईक्यू ले लीजिए, आता है घटना चक्र का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये आप पीवाईक्यू मंगा सकते हैं। और साथियों अगर आपका एसएसटी विषय है तो आप यूथ वाली पीवाईक्यू मंगाइएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से इतिहास, भूगोल, राजनीति, इन सबके प्रश्न थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोनों में ही प्रश्न समान है, प्रश्न मतलब वही है, बीपीएससी वाले ही आपको मिलेंगे। और चूंकि ये जो यूथ वाली किताब है इसमें बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, चाहे वो सीडीपीओ हो और बीडब्ल्यूओ वगैरह तमाम एग्जाम जो भी होते हैं, तो वो सभी आपको जो है इसमें सारे के जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जिनका एसएसटी विषय है वो ये ले सकते हैं, इसमें उन्हें हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं भी चूंकि यही किताब लिया था, मेरा एसएसटी विषय है, तो ये किताब साथियों आप जो है इसे ले लीजिए, और यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जितने भी मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार लगा लीजिए, आपका जो है लगभग चीजें वहां से प्रिपेयर हो जाती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से उठाकर जो है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, TRE3 वगैरह में भी, मैं आपको अपने चैनल पर भी दिखा चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है ऐसे अपना GS प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो किताब मैं आपको बताया हूँ, घटना चक्र वाली जो PYQ है या जो यूथ वाली PYQ है, इससे आप आधुनिक भारत के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लीजिए, आपको GS में हेल्प मिलेगी, और साथ ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और साथ ही विज्ञान के भी प्रश्नों को एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक लगभग आपको जो है प्रिपरेशन वो कवर हो जाएगा जितना भी सिलेबस है, क्योंकि बीपीएससी जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट बहुत कर रही है, तो इसलिए PYQs का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ एक वीडियोज में अभी आगे जो है मैं अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे जो है सब्जेक्ट में भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन
तक जो है एज इट इज क्वेश्चन और उनके ऑप्शन भी जो है उठा के सीधे रखे गए हैं। तो मैं जो है इस ऐसी वीडियोस जो है आगे अपलोड करूंगा। तो साथियों इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपकी देखिए वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, टेरी थ्री के रिजल्ट वगैरह के बारे में भी कि लगभग कब तक देखने को मिलेगा और आप तैयारी कैसे करेंगे अपने विषय की और साथ ही जीएस की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो किसी भी पर्सनल डाउट के लिए आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।